इंदौर की बेटी गोवा में ब्याही गई, जहां पति की दरिंदगी और ससुराल वालों की हैवानियत के कारण परेशान हो गई और फिर इंदौर कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सास, पत्नी और देवर को आरोपी बनाया है। इंदौर की बेटी बड़े सपनों के साथ गोवा में ब्याही गई। लड़का भी गोवा के डाक विभाग में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर था। इससे माता पिता ने शादी भी धूमधाम से की, लेकिन जल्द ही लड़की के सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि लड़का नशीली दवाओं के सेवन करने के बाद महिला से संबंध बनाता रहा। शादी के बाद से मेरे साथ में वो जबरदस्ती करते थे, रिलेशन बनाते थे। फर्स्ट माह में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी अप्रैल में, फिर उसके बाद भी उनने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। और जब उनके पापा की डेथ हुई थी तो उसमें भी 13 दिन में भी उनने मेरे साथ संबंध बनाए। हमेशा जबरदस्ती करते थे, मानसिक और शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़ित करते थे। जब मेरा मिसकैरेज हो गया उसके बाद में भी वो लोग आज तक मुझसे मिलने नहीं आए, कभी कोई खैर खबर नहीं लिए। कहते हैं उल्टा कि तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, और अब तुम तो प्रेग्नेंट हो गई तो बोलते तुम मेरे कोई काम की नहीं बचो, तुम्हारे को रिलेशन बनाने का ही मना करा है इसलिए बोलते तुम मेरे काम की नहीं हो। और हम फिर मुझे दहेज के लिए परेशान करने लग गए, हर चीज के लिए दवाइयाँ लेते थे वो, और शराब पी के भी करते थे मेरे साथ रिलेशन। इससे बिना इच्छा के वह गर्भवती हो गई, लेकिन लड़के ने इसके बाद भी ज्यादती जारी रखी और महिला का गर्भपात हो गया। पति व ससुराल वालों से परेशान महिला ने मामले में कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जांच के लिए लिखा, जहां से पुष्टि होने के बाद गोवा निवासी पति राहुल बिजवे, सास रेखा और देवर विशाल के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश दिए गए। यह इंदौर निवासी पीड़िता है, निवासी बजरंग नगर की है। इसका विवाह सन 2019 के अंतर्गत नागपुर निवासी राहुल बिजवे से हुआ था, जो की नागपुर का निवासी होकर वर्तमान में ये मापुसा डाक ऑफिस गोवा के अंदर पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। शादी के बाद से ही इसने पीड़िता को पति का सुख तो नहीं दिया, लेकिन इसके परे जाकर इसने नारी शक्ति को नीचा दिखाते हुए पीड़िता के साथ यह हर दिन हर समय संबंध स्थापित करता था पति पत्नी के। पीड़िता के द्वारा मना करने पर भी यह इसे सिर्फ एक उपयोग की वस्तु और एक मशीन के रूप में यूज में लेता था। कई बार वो उत्तेजक टेबलेट लेकर पीड़िता के साथ में गलत तरीके से संबंध स्थापित करता था। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता ने जब अपने ससुराल जनों को बताया तो सास और देवर ने भी पीड़िता के खिलाफ पति का ही सपोर्ट करा। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता कुछ दिनों बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो 5 माह की प्रेगनेंसी के दौरान भी निरंतर जब इसको डॉक्टर ने पूरा फुल बेड रेस्ट का बोला था, बेड रेस्ट के बाद भी, और इसको इंजेक्शन लग रहे थे कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, तो इधर पीड़िता इंजेक्शन लगवा रही थी, अपना ट्रीटमेंट चालू रख रही थी, उस दौरान भी पीड़िता के साथ इसने जबरदस्ती करते हुए रिलेशन एस्टेब्लिश करें, जिसका परिणाम यह हुआ कि पीड़िता को ब्लीडिंग हो गई और 5 माह के गर्भ के दौरान ही का जन्म हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि उसकी गर्भावस्था के दौरान भी पति नशीली दवाओं का सेवन कर जबरदस्ती संबंध बनाता रहा, जिसके चलते पीड़ित महिला ने 5 माह में ही बच्चे को जन्म दिया। कमजोर बच्चा होने के कारण दूसरे दिन ही मौत हो गई। जब पति की शिकायत सास व देवर से की जाती थी तो वह भी पति का पक्ष लेते रहे। पति राहुल बिजवे, सास रेखा बिजवे और देवार विशाल बिजवे, तीनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत, इसमें धारा 12 के अंतर्गत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए तीनों को आगामी दिनांक 10 फरवरी 2020 को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी करें और तीनों को गोवा में नोटिस निकाले हैं तीनों के खिलाफ। इसका सबसे मेन एक प्रकरण ये भी है, क्योंकि पति गोवा में पदस्थ था, गोवा की लाइफ स्टाइल से, गोवा की जो कुछ हद तक जो नकारात्मक लाइफ स्टाइल होती है विलासिता की, उससे प्रभावित होकर टेबलेट लेकर पीड़िता के साथ में संबंध स्थापित करता था।